नवाब ने मामू को खत लिख दिया था कि मैं 3 बजे वाली ट्रेन से आ रहा हूँ, नौकर को साइकिल देकर भेज दीजिएगा। लेकिन जब रेल महमूदपुर पहुंची तो नौकर का कहीं पता नहीं था। नवाब ने पहले तो प्लेटफार्म पर दूर तक नजर डाली, लेकिन जब 2 मिनट रुककर रेल ने चलने की सीटी दी तो नवाब घबरा गया। उसने जैसे तैसे रेल से अपना सामान उतारा और सोचने लगा कि अब क्या करे। मामू का मकान यहाँ से 3 मील दूर है, यहाँ ना तो खुली है और ना आसपास मजदूर, किस तरह अपना सामान ला दे और 3 मील का रास्ता तय करे। नवाब के पास सामान तो ज्यादा ना था, एक अटैची थी जिसमें उसके कपड़े और किताबें वगैरह थीं, एक छोटा सा बिस्तर था और एक छोटी सी टोकरी जिसमें कुछ फल और मेवे थे। वो तो कहिए, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, एक नौजवान लड़का टहलता हुआ स्टेशन पर आ गया। उसने नवाब को अकेले बैठे देखा तो पास आया, हाल पूछा तो नवाब ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि नौकर बाइसिकल लेकर नहीं आया, अब ये सामान किस तरह जाए। वाह भाई वाह, ये सामान ही कितना है, उस नौजवान ने कहा। क्या ये कम है, नवाब बोला। ये तो कुछ भी नहीं, और फिर तुम हट्टे कट्टे कड़ियल जवान हो, ला दो और चल दो। वाह, क्या मुझे नीची जात का समझ लिया है। नहीं भाई, कोई अपना काम अपने हाथों करके जलील नहीं होता। नौजवान की ये बातें सुनकर नवाब कुछ न कह सका और किसी सोच में पड़ गया। नौजवान लड़के को उस पर बड़ा तरस आ रहा था, तरस ये कि 16-17 साल का हट्टा कट्टा तंदुरुस्त और काम से जी चुराता है। उसने कहा, तो अपने साथ नौकर नहीं रखते। नौकर हर घड़ी साथ नहीं रहते, फिर मेरे घर 2 ही नौकर हैं, दोनों घर पर हैं। आप जब अपना काम अपने हाथों नहीं कर सकते तो नौकर को हर वक्त अपने साथ रखना चाहिए। वाह भाई, हर वक्त कोई कैसे साथ रख सकता है, और फिर कहीं जाना हो तो भी। ये कैसे हो सकता है, नवाब बोला। इस पर नौजवान ने कहा, हो क्यों नहीं सकता, मैं तो अपने नौकर अपने साथ रखता हूँ। इस पर नवाब ने कहा, झूठ मत बको और जाओ यहाँ से। नवाब ने नौजवान से कहा, भाई झूठ बड़ा गुनाह है, मैं झूठ नहीं कहता। तो कहाँ है तुम्हारे साथ तुम्हारे नौकर, ये देखो मेरे 2 हाथ और ये देखो मेरे 2 पैर, ये 4 मेरे बड़े अच्छे नौकर हैं, मैं इनसे जो काम कहता हूँ झट करते हैं, इन्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं, ये हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं अपने नौकरों से तुम्हारा काम करा दूं। नवाब उस नौजवान का मुंह तकने लगा। नौजवान ने नवाब की अटैची उठाई, बिस्तर बगल में दबाया और कहा कि अपनी टोकरी तुम ही ले चलो, और अगर ये भी ना उठाई जाए तो लाओ मेरे हाथों में पकड़ा दो। नवाब सचमुच बड़ा काहिल था, उससे टोकरी भी लेकर चलना दूभर था। उसने नौजवान को टोकरी भी दे दी। नौजवान उन 3 चीजों को लेकर चल दिया। वो बड़ा तेज चल रहा था, नवाब को बार बार उसका साथ पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता था। वो नौजवान की खुशामद करता कि भाई जरा धीरे चलो। घंटा भर में नवाब अपने मामू के घर पहुंच गया। नौजवान उसका सामान देकर चला तो नवाब ने 1 रुपया उसे देना चाहा। नौजवान ने जवाब दिया, मेरे नौकर मजदूरी नहीं लेते, और वो चला गया। नवाब सोचने लगा, अगर आज ये नौजवान स्टेशन पर ना मिल जाता तो मैं कैसे आता। उसने अपने हाथों पर नजर डाली, दोनों पैरों को देखा, बोला, ये नौकर तो सचमुच मुफ्त के हैं, काश के मैंने इनसे खिदमत ली होती।